ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लीब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर, और देखते हैं लीब्रा सितंबर 22 to 30 क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। सो सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे फॉर द कमिंग वीक ऑफ कोर्स। सो सरप्राइज का कार्ड आ रहा है। सो अ डिसअपॉइंटमेंट विल बी फॉलोड बाय अ प्लेजेंट सरप्राइज। सो इफ़ यू आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड अबाउट समथिंग, सो हो सकता है कि वो आपके लिए सरप्राइज में बदल जाए। पहले तो एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं। दूसरा, एन इन्विटेशन। सो यू मे गेट एन इन्विटेशन और एन ऑफर, एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट ब्रिंगिंग लव to those who are searching. So if you are in a search of love, so I think kuch surprise hai aapke liye yahan par. Now change, wow, the change of residence, partner, career, job is on the card. Okay, so angels keh rahe hain ki kuch change aa sakta hai is hafte. Ab wo kisi bhi way mein, chahe wo kahin aap move hona cha rahe hain, shift hona cha rahe hain, career, job, partner, anything. So any sort of change can come in, and moreover you are looking for that change, because yahan angels keh rahe hain ek restless si energy dikhai de rahi hai, that you know ki aap kuch change chahte hain ki aisa ho jaye, aisa ho jaye, to wo cheez ho sakti hai. And moreover exactly that is coming towards you, ye bhi card pe likha hua hai. Chaliye aur dekhte hain, what else? Property. So you can invest in property as well, right? Libra, agar aap aisa soch rahe hain, या ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी कंसर्न्स देखने हैं कि कहीं ट्रांजैक्शन करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है, बट अदरवाइज यस, प्रॉपर्टी के भी चांसेस बन रहे हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है मेनली इट्स अबाउट बाय और सेल, यू नो, प्रॉपर्टी परचेज स्पेशली, नॉट यस परचेज एंड सेल प्रॉपर्टी यहाँ दिखाई दे रहा है. तो चलिए, ये तो हो गई ओवरऑल एनर्जी सबके लिए. सो आई थिंक जो भी देख रहा है वीडियो को, सो आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड फॉर यू. सो थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छे पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहा है ऑलरेडी. चलिए अब आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं. लिब्रा, लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेट अस फाइंड आउट. ओके, सो यहाँ एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है लिब्रा, दैट सेवन ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अबाउट स्लो एनर्जी मुझे लग रहा है आपकी तरफ से, और मे बी इट्स अबाउट टेकिंग टाइम. आप टाइम चाहते हैं, हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को टाइम देना चाह रहे हैं. ऑफकोर्स कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है. अब वो इसलिए बिकॉज मे बी यू वर हर्ट इन अ पास्ट, पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है, रिसेंट पास्ट में या पास्ट में. So you were broken, you were shattered, five of swords energy आ रही है, complications थी, या हो सकता है कि कुछ ऐसी energies रही हैं in the past कि you have suffered, but now it's about recovering, or maybe it's about taking time, कि धीरे धीरे आप इस relationship को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं. And with the tower movement हो सकता है कि it's about, आपको ऐसा लगता है कि कहीं सब कुछ खराब ना हो जाए या बिगड़ ना चाहे, दोनों ऐसी सी कुछ है कि आपके माइंड में कुछ चल रहा है. ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, हो सकता है आप किसी से ऑनलाइन मिले हो, ठीक है, या हो सकता है कि ये पर्सन लाइक दे आर ऑल्सो फीलिंग रिस्ट्रिक्टेड, थोड़ा सा अभी ऐसी एनर्जी है दैट दे कांट डू, बट मुझे ऐसा लगता है आपसे कम्युनिकेशन हो रही है, बात हो रही है इस पर्सन की, स्पेशली समबडी अगर आप किसी से ऑनलाइन मिले हैं या कोई कम्युनिकेशन हो रही है, आपसे दूरी पे है, मैसेजेस, यू नो, वो एनर्जी दिखाई दे रही है. ऑफ कोर्स ये पर्सन इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं, और शायद हो सकता है कि इस चीज़ को दोबारा चांस दे रहे हैं, बट ऑफ कोर्स दे आर रेडी टू कम्युनिकेट, बात करने के लिए वो रेडी हैं, कम्युनिकेशन के लिए रेडी हैं, और हो सकता है कि कम्युनिकेशन आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं. यहाँ वैसे भी आप लोगों के बीच में मुझे लग रहा है बैक एंड फोर्थ, लॉट ऑफ मैसेजेस, कम्युनिकेशन, दिस एंड दैट इज़ हैपनिंग. नाउ आउटकम क्या है? सो मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एक इंटेंस इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा, यू नो, एक वो क्या बोले कि एक रोमांटिक वाइब्स कह सकते हैं,
या आप लोगों का कनेक्शन जो है एक अट्रैक्शन है और कनेक्टिंग टू ईच अदर. अब वो ये कुछ नहीं कह सकते कि इट्स लाइक अ थर्ड पार्टी सिचुएशन और जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है दैट यू आर सुपर अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, दे आर अट्रैक्टेड टू यू. लॉट ऑफ कम्युनिकेशन और कुछ में ये भी हो सकता है दैट यू कैन मीट योर पार्टनर एंड मोर ओवर विलिंग, यू नो, विलिंग टू लाइक स्पेंड क्वालिटी टाइम विद ईच अदर. ये एनर्जी दिखाई रही है. ऑफकोर्स रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड है यहाँ पे. तो ये हफ्ता अगर हम ओवरऑल बात करें कि कैसा रहेगा आपके रिलेशनशिप के लिए, तो इट्स अबाउट कनेक्टिविटी, रिकन्सिलिएशन, गेटिंग बैक ऑन ट्रैक. ओके, रिलेशनशिप में इट्स टाइम टू डिसकनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, कि खुद को यू नो मतलब दुनिया से अलग करके एंड गिविंग ईच अदर अ लिटल टाइम. ओके, एक तो ये हो गया. दूसरा ये, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ, और आपकी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं एक दूसरे के लिए, दे आर रियल. एंड मोर ओवर इट्स अबाउट स्टेइंग ऑप्टिमिस्टिक, कि अगर आप ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस. ओके, कि अगर आप सिचुएशन के बारे में पॉजिटिव है, सिचुएशन कुछ भी हो, आप मैरिड हैं, आप कपल हैं, आप कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, वट एवर इट इज़, इट मे ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट. कुछ सिचुएशंस में ये हो सकता है कि इट इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन बिकॉज वी हैव दैट क्वीन ऑफ वॉन्स एनर्जी. तो ये आपको बेहतर पता होगा कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं, और ये आपके स्पाउस हैं या कोई और पर्सन है जिनके साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, बट कनेक्शन दिखाई दे रहा है. सो नो ऑफेंसेस एंड इट्स फॉर एवरी वन. तो आपको कैसे रिलेट करता है ये आपको देखना है. ओके ओके, और देखते हैं थोड़ा सा. सो इट्स लाइक अ वेटिंग, इट्स लाइक वेटिंग फॉर द राइट टाइम. कुछ लोगों के लिए आई टोल्ड यू ना, अब सिंगल्स जो हैं उनके लिए ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे. वेटिंग फॉर द राइट वन, एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस. ओके, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, हायरोफंट एनर्जी है. सो हो सकता है कि आप कुछ लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, आपका माइंड बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की तरफ चल रहा है. यू वॉन्ट ऑब्वियसली यू वॉन्ट अ स्टेबल रिलेशनशिप, लॉयल रिलेशनशिप हर इंसान वो चाहता है. सो वहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि सिंगल्स के लिए ये अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है दैट यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड, और अच्छे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं. सिर्फ एक प्रॉब्लम हो सकती है और वो ये है कि पास्ट, यू नो, थिंकिंग टू मच अबाउट द पास्ट, या कोई चीज़ें हैं जो आपको होल्ड बैक कर रही हैं. अदरवाइज इट सीम्स टू बी ग्रेट एनर्जी, गुड एनर्जी, स्पेशली फॉर सिंगल्स मैं कह रही हूँ. और बाकी सबके लिए इट्स अबाउट फॉरगेट अबाउट द पास्ट, जो भी कुछ हुआ, दिस एंड दैट, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, जो भी चीज़ है. तो आई थिंक वो चीज़ें हेल्प कर सकती हैं रिलेशनशिप को ग्रो करने में, मदद कर सकती हैं. चलिए अब आपके करियर की बात करेंगे. व्हाट अबाउट योर करियर? बने रहिएगा, आगे थोड़ा और देखेंगे ओवरऑल एनर्जीज़ क्या आ रही है. बट बिफोर दैट वी नीड टू टॉक अबाउट योर करियर. ऑफ कोर्स ये हफ्ता कैसा रहेगा? इट्स समथिंग न्यू. ऑफ कोर्स एस ऑफ कप्स, इट्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी, मे बी, यस. और हो सकता है एन अपॉर्चुनिटी, पे रेज, और अगेन क्रॉस रोड्स. सो यू हैव टू डिसाइड. मे बी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या आगे चल के ऐसा हो सकता है, और या हो सकता है किसी किसी कंपनी से आप कनेक्ट कर सकते हैं. सो बेसिकली इट्स अबाउट डिसीजन मेकिंग अबाउट समथिंग. ओके, सो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि कोई हेल्प, कोई अपॉर्चुनिटी, समथिंग क्विकली कमिंग टूवर्ड्स यू, कोई चीज़ है, यू नो, जो आपकी तरफ, अब वो ऑफर है, वॉट एवर इट इज़, बट येस, इट इज़ डेफिनेटली कमिंग टूवर्ड्स यू. एंड ऑफकोर्स यू हैव बीन वेटिंग फॉर इट, और हो सकता है यू वर वर्किंग फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन. हो सकता है आपको ये इस चीज़ का, मुझे लगता है कि बाय नवंबर दिसंबर, यू नो, लाइक बाय एंड ऑफ दिस ईयर, ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आपके करियर में. अब वहाँ से आपके फाइनेंसिस भी बेटर हो सकते हैं. इट्स अबाउट ग्रोथ एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट क्रिएटिविटी, यू नो, दैट आप बहुत ज़्यादा लाइक क्रिएट, ऑब्वियसली यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, बट मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे आपके चेंजेस आ सकते हैं बाय एंड ऑफ दिस ईयर. तब ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाई दे रहा है. ऑल्दो यू आर इन अ गुड पोजिशन, बट मुझे ऐसा लगता है जो पोजिशन अब होने वाली है, अब अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, कुछ के लिए पे रेज हो सकता है, यू नो, एक्सपेंशन हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है. ज़रूरी नहीं है इट्स अबाउट समथिंग न्यू ओनली, बट येस, क्योंकि एसेज हैं तो हो सकता है, देर आर चांसेज, एंड मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट टेकिंग एनी स्टेप फॉरवर्ड, मतलब कोई डिसीजन लेना किसी चीज़ के बारे में.
पोजिशन पावर ग्रोथ मतलब काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है. सो मैं यही बोलूँगी, हैंग इन देयर और थोड़ा सा टाइम लीजिए. आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू चेंज. या वैसे भी चेंज आ चुका है ओवरऑल एनर्जी में भी. एंजल्स कह रहे हैं देयर इज अ सरप्राइज वेटिंग फॉर यू, अ बिग चेंज. ओके, चेंज ऑफ रेजिडेंस, करियर, एनी थिंग. सो बी रेडी, बी रिसेप्टिव एंड आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू. चलिए लिब्रा आगे के लिए देखते हैं. ये इस हफ्ते के लिए है, प्लस ऑफ कोर्स एक्सटेंडेड भी हो गया कि हाँ आगे ये चांसेस हो सकते हैं. ओके, अबंडेंस. ओके, तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट है एंड देर आर लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ, एक्सप्लोरिंग, ये चीज़ दिखाई दे रही है. ओके, सो यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि इन्वेस्टिंग इन समथिंग और मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट. आगे ये हफ्ता स्पेशली दिखाई दे रहा है फॉर गुड हेल्थ, यू नो, वाइटिलिटी, गुड हेल्थ एंड अबंडेंस. कॉर्निकोपिया का कार्ड है, सच अ वंडरफुल एनर्जी. ओके, सो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, स्पेशली फॉर लव, थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड फॉर यू. हो सकता है कि चीज़ें अच्छी हो सकती हैं. और आगे के लिए एंजल्स कह रहे हैं कि फाइनेंसिस को लेके थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं आप ओवर एक्सपेंड ना करें. सो यू नीड टू प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली. या हो सकता है एंजल्स आपको कह रहे हैं कि प्लान कीजिए, नाउ इज़ अ गुड टाइम टू प्लान थिंग्स बिकॉज देयर इज लाइक आगे चेंज आने वाला है. एंजल्स आपको शायद तैयार कर रहे हैं फॉर अ गुड चेंज. ऑफ कोर्स डरने की बात नहीं है बिकॉज यहाँ पे स्टॉर्म कार्ड है. दैट मींस कि दे आर प्रिपेयरिंग यू, कि अपने आपको प्रिपेयर कीजिए, आगे एक बड़ा चेंज आने वाला है. तो फटाफट से देख लेते हैं गाइडेंस क्या है फॉर ऑल द लिब्रा. हमारे कार्ड्स गुम हो जाते हैं, सो वी नीड टू सी कि लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस है. लेट अस सी. ओके, साइलेंस. क्या कहना चाह रहे हैं एंजल्स? सो मे बी इट्स अबाउट एंजल्स आर सेम कि किसी को कुछ बताइए मत अभी फिलहाल. ओके, ये ज़रूर है और ज़रूर. और ये भी हो सकता है कि साइलेंस में बहुत कुछ आपको आंसर्स मिल सकते हैं. व्हाई आर यू फीलिंग लाइक, किस चीज़ का रिग्रेट है? आर यू सप्रेसिंग? आर यू टेकिंग बर्डन, प्रेशर? मुझे लग रहा है लॉट ऑफ बर्डन एंड प्रेशर किसी चीज़ का. और हो सकता है ये चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है. सो एंजल्स अगेन वही कह रहे हैं बार बार आपको कि प्लीज़ इस चीज़ में से बाहर निकलिए और अपने आप को इतना प्रेशराइज मत कीजिए और हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए. थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू. रिसेप्टिव रहना. रिसेप्टिव का मतलब है एक्सेप्टेंस में आना कि वेदर इट्स अबाउट एनी चेंज, वेदर एनी थिंग इज़ हैपनिंग, इट इज़ हैपनिंग फॉर योर गुड, आपके अच्छे के लिए हो रहा है. तो फिर आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है. डेफिनेटली यू हैव टू कम आउट ऑफ इट, परेशान होकर, निराश होकर. सो एंड पे अटेंशन टू द साइंस, द सिम्बल्स. ठीक है, हो सकता है आपको साइंस, सिंबल्स, नंबर्स दिख रहे हो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को लेके, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. तो एंड यू आर बिजी इन समथिंग, आप बहुत बिजी हैं, आप इतना अवेयर नहीं हो पा रहे हैं, आप उस पर अटेंशन नहीं पे कर रहे हैं. येस, योर माइंड इज़ लाइक स्टक समवेयर. फाइव ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है. दिस इज़ वेरी लाइक, देख सकते हैं आप, सो मच कॉम्प्लिकेटेड और एंड ऑल एंड टेंस्ड एंड ऑल दैट. तो यू हैव टू बी नॉट, यू डोंट हैव टू बी हियर, यू हैव टू बी हियर लाइक दिस. ओके, सो दिस इज़ वट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आपको आज की रीडिंग कैसी लगी. मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते. टिल देन टेक केयर.